हम व्यंजन के साथ बड़ी ई की मात्रा को पढ़ना अब सीख चुके हैं, तो अब हम शब्द देखेंगे कि बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को मिला करके हम कैसे पढ़ सकते हैं। और जब बड़ी ई की मात्रा शुरू हो गई तो छोटी ई की मात्रा भी ई की मात्रा है और बड़ी ई की मात्रा भी ई की मात्रा है, तो इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह जो डिफरेंस है ये बहुत थोड़ा है और इसको बहुत कम बच्चे ही समझ पाते हैं। अक्सर बड़े लोगों को भी छोटी और बड़ी की मात्रा में कंफ्यूजन होता है और वो गलत लिखते हैं, जहाँ छोटी की लगानी है वहाँ बड़ी की लगा ली, जहाँ बड़ी की लगानी है वहाँ छोटी की लगा ली। मगर अभी आप शुरू में ही एक बार जब छोटी ई और बड़ी ई को वर्बली मौखिक रूप से भी सही पढ़ना सीख लेंगे तो सही लिखना भी आप सीख लेंगे। एक बार आपको इसको वर्बली समझना होता है कि अंतर क्या है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में। यदि आपने इसे यही पकड़ लिया शुरू में ही तो आप कभी भी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में गलती नहीं करोगे। तो आज हम शब्दों के साथ बड़ी ई की मात्रा कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने पर विशेष जोर दे रहे हैं, कॉपी करने पर हम कभी भी नहीं बोलते कि यहाँ से देखो यहाँ लिखो, उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, वो तो कोई भी लिख सकता है। मगर इस ई की मात्रा को अगर आपको समझना है, आपको प्रॉपर रीडिंग भी सीखना है, तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान से वीडियोस को सुनना चाहिए और उसको बार बार रीड करके देखना चाहिए, जैसा कि हम आपको करके अभी बताएंगे। तो चलिए हम बोर्ड पर देखते हैं कि हमने कुछ चित्र बनाकर रखे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये क्या बना हुआ है, मछली, ये है चाबी, ये है हाथी। अब ये सब बड़े ई की मात्रा के शब्द हैं। अब हम इनको बताएंगे मछली कैसे लिखेंगे। चलो देखते हैं मछली कैसे लिखेंगे। पहले मछली, याद है आपको हमने कहा था कि बड़ी की मात्रा को आप इसके यहाँ से लेकर आना तो आपका राइटिंग अच्छा आएगा। जब ये इसके साथ मिला हुआ होता है तो राइटिंग ब्यूटीफुल आता है। अगर आप इसको नीचे से लेके जाएंगे तो आप यहाँ तक ला सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं। यदि आप ऊपर से नीचे की ओर मात्रा लेके आएंगे तो ज्यादा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग आएगी। अब इसे पढ़ना सीखते हैं। म छ ली, ली। ई स्पष्ट सुनाई आ रहा है आपको, ली ई म छ ली मछली। जहाँ ई आपको बिल्कुल स्पष्ट सुनाई आता है, जहाँ ई थोड़ा दबता है वहाँ बड़ी ई की मात्रा आती है। जैसे हम ग्लास बोलेंगे, ग्लास, ग्लास में भी ग में ई की मात्रा आती है, पर क्या वो दब रहा है, क्या वो आपको बहुत स्पष्ट सुनाई आ रहा है, ग्लास नहीं। मछली, ली में ई सुनाई आ रहा है आपको, तो जहाँ वो ज़्यादा सुनाई आता है, स्पष्ट सुनाई आता है, वहाँ बड़ी ई की मात्रा लगती है। और जहाँ पर ई की मात्रा है पर वो दबी हुई नहीं है, यानी ज़्यादा वो ई का स्वर जो है ज़्यादा लंबा नहीं है, वहाँ पर छोटी ई की मात्रा आती है। ठीक है, तो समझ में आया आपको, म छ ली मछली। अब इसको शुरू शुरू में यदि आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसको दबा कर पढ़ना है बड़ी की मात्रा को, म छ ली मछली, आपको ऐसे दबा कर पढ़ना है, तो समझ में आएगा आपको धीरे धीरे कि बड़ी की मात्रा को जोर लगा कर पढ़ते हैं। तो शुरू में आप इसको थोड़ा दबा कर या लंबा उच्चारण के साथ में पढ़ सकते हैं, बाद में तो हमें पढ़ना ही है मछली मछली, बाद में तो वैसे ही ठीक पढ़ना है, पर शुरू के लिए आप उसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। दूसरा है देखिए क्या है, चाबी, देखो हमारा मुंह सुनो, चाबी ई आया आपको ज्यादा सुनाई, अभी वही फिर से हम बोलेंगे गिलास, आया क्या आपको बहुत जोर से सुनाई, नहीं। कविता, वहां पे छोटी की मात्रा आती, कविता, कविता ऐसा नहीं बोलते, कविता ई की मात्रा है मगर छोटी ई की मात्रा है, जो ज्यादा दबती नहीं है, जिसका उच्चारण लंबा नहीं होता है, बड़ी ई की मात्रा के स्वर का उच्चारण लंबा होता है। ठीक है, तो अब हम चाबी लिखते हैं, च चपे आ की मात्रा चा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यदि मात्राओं में अभी भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, च ये तो च है, चा लिखना है हमको, तो आ, अब च में हमको क्या लगाना है, आ, तो
तो चा बन जाएगा, च ये आ की मात्रा ये होती है ना, तो च आ चा, ये चा हो गया। ब ई बी, ब ई बी, च आ चा, ब ई बी, ई की मात्रा को सीधा ई पढ़ो, आ की मात्रा को सीधे आ पढ़ो, तभी भी आराम से आप लिख और पढ़ सकते हैं जैसा आपको ठीक लगता है। यदि आप ऐसे ठीक से पढ़ पाते हैं, च च पे आ की मात्रा चा, ब ब पे बड़ी की मात्रा बी, चा बी, ऐसा भी पढ़िए। यदि इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो च च आ चा ब ई बी, ऐसा भी इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चा बी, ई, ई का उच्चारण लंबा है, दीर्घ स्वर बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। नेक्स्ट है हा थी, हमारे मुंह की ओर देखो, हा थी, ई को हम लंबा उच्चारण दे रहे हैं, हा, अपे आ की मात्रा हा थी, अपे बड़ी की मात्रा थी, हा थी, हाथी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा म छ ली, मछली, इसको अभी थोड़ा दबा कर पढ़िए, मछली बोलने के बजाय म छ ली, मछली, लंबा उच्चारण लो, ई की मात्रा को वर्बली समझते हुए चलो, चा बी, चाबी, हा थी, हाथी। एक एक बार और लिखते हैं इसे हम, म जो बोलेंगे वो लिखेंगे, बोल कर ही लिखना है, म छ ल, ल पे बड़ी की मात्रा ली, मछली, चा च पे आ की मात्रा चा, ब पे बड़ी ई की मात्रा बी, चा बी, हाथी, हा थ पे आ की मात्रा हा, थ थ पे बड़ी की मात्रा थी, हाथी, ठीक है। ये हमने अभी कुछ शब्द देखे, अभी हम इसे इरेज करके फिर और कुछ शब्द लिखते हैं। तो ये कुछ और शब्द हैं, इन्हें भी हम देखते हैं कि कौन से पिक्चर्स हैं। पहले हम पिक्चर्स देख लेते हैं, देखिए इसे पहचान पा रहे हैं आप, ये है सीटी, ये है घड़ी, ये है छड़ी, क्या है ये छड़ी, ई, स्पष्ट सुनाई आ रहा है, ई, घड़ी, ई, सीटी, ई, सी टी, दोनों में इसमें बड़ी की मात्रा आएगी, सी ई सुनाई आ रहा है, टी ई सुनाई आ रहा है इसमें दोनों में, ठीक है। तो हम इसे लिखना सीखते हैं, ये है सीटी, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स, अब स को सी बनाना है और ई बनाना है, तो क्या करेंगे हम इसे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा लंबा उच्चारण वाला ई सी, ट, ट पे बड़ी की मात्रा टी सी टी, क्या लिखा है हमने, स, स पे बड़ी की मात्रा सी, ट, ट पे बड़ी की मात्रा टी सी टी, दोनों में बड़ी की मात्रा है। अगला है, ये पिक्चर है घड़ी, तो अब हमें यहाँ लिखना है घ, घ में कोई मात्रा सुनाई आ रही है क्या आपको, घ अ, अ मतलब अपनी कोई मात्रा नहीं होती अ की, वो तो सभी व्यंजन में होता है, क ख घ सभी में होता है, तो घ अ है, तो आ से मात्राएं शुरू होती है, तो इसमें आ तो नहीं है, घा तो नहीं है ना, मात्राओं की पहचान इसी तरह से करनी है, ध्यान से सुनना है, इसकी शुरुआत ही ध्यान से सुनने और मौखिक बोलने से होती है, यहाँ से आप इसको भाषा को हिंदी भाषा को ठीक से सीख पाएंगे। घ अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, ड, अब हमें क्या लिखना है, ड, और ड में हमें क्या करना है, ड़ी, ई लगाना है, तो ये लगा दिया हमने ई, घ ड़ी, घड़ी, घ ड़ी, घड़ी। नेक्स्ट है ये छड़ी, ये क्या है, छड़ी, तो अब यहाँ पे हमें लिखना है छ ड़ी,
छड़ी, ई क्या है, ई छड़ी, छड़ी। आया समझ में? एक बार और लिखते हैं, एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। स सबे बड़ी, ई की मात्रा सी। ट टपे बड़ी की मात्रा टी, सी टी घड़ी। घ घ बोला तो घ लिखा, ड बोला तो ड लिखा, ई बोला तो ई की मात्रा लगाई। घ ड ड़ी घड़ी, क्या हो जाएगा ये, घड़ी। और ये है छड़ी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम छ ड ई की मात्रा डी, छड़ी। तो ये आज हमने बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को सीखा। एक बार में ही या दो बार में ही ये मात्राएं जो हैं इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती। आप अभी छोटे बच्चे हैं तो आपको करना क्या है, बार बार सुनना है, बार बार बुक में पढ़ना है, बार बार सुनना है, बार बार पढ़ना है। इसी तरह से आप बड़ी ई की मात्रा के ऊपर अपना अच्छे से उसका अध्ययन कर पाओगे। ठीक है, तो आज हमें करना है बड़ी ई की मात्रा। थैंक यू।